हाँ जी नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। सबको राधे राधे। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद सत्यापित करना, प्रश्न नंबर है आपका 12, अध्याय 2 है, उसमें प्रश्नावली की आपके 2.5 और इसमें प्रश्न नंबर है 12, इसको सत्यापित करना है। प्रश्न दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2। पहला कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा कोष्टक एक्स माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का वर्ग। अब इसको हम सत्यापित कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले LHS और RHS, इसके अंदर हमको जो हमारा RHS है, इस RHS को लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS लेने पर यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले दायां पक्ष ले लें और दायां पक्ष को हल करने के बाद में हमको लाना क्या है, बायां पक्ष लाना है। ठीक है, तो RHS लेने पर RHS क्या आ रहा है हमारे पास में, 1/2, पहला कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा कोष्टक एक्स माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई माइनस जेड का वर्ग प्लस जेड माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, अब 1/2 पहला कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे के ऐसे, लेकिन दूसरा कोष्टक है एक्स माइनस वाई का वर्ग, यानी एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से गुणा करेंगे, यानी सर समीकरण नंबर आपकी 2 उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको अपन हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये प्लस की जगह प्लस आ गया वाई माइनस जेड का वर्ग, इसको भी वापस सरल समीकरण नंबर 2 के हिसाब से खोलना है। इसको खोलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये दूसरी जो कोष्टक की वाई माइनस जेड का वर्ग दूसरी सरल समीकरण के हिसाब से खोलने पर यह आ गया, प्लस की जगह प्लस वापस जेड माइनस एक्स का वर्ग आ रहा है, तो जेड माइनस एक्स का भी हम वर्ग करेंगे सर समीकरण नंबर 2 के हिसाब से, इसको खोलेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वापस 1/2 एक्स पहला कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो इसे के इसे, अब यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर डबल बार आ रहा, वाई स्क्वायर भी डबल बार आ रहा और जेड स्क्वायर भी डबल बार आ रहा, जो जो डबल बार थे उनको क्या किया हमने, जोड़ दिया, यानी एक्स स्क्वायर डबल बार था तो क्या हो गया 2x2, वाई स्क्वायर भी डबल बार था तो क्या हो गया प्लस 2y2, इसी तरह से जेड स्क्वायर भी डबल बार है जिसको भी हमने जोड़ा तो प्लस 2z2, बाकी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz दिया हम ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर वापस 1/2 पहला कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे कैसे, अब यहां देख रहे हैं 2 2 2 2 2 2 सबके साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या करेंगे दो कॉमन बाहर निकाल देंगे, दो कॉमन निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बचा, जो बचा उसको कोष्टक में लिखना है, दो कॉमन निकला इसको बाहर निकाल दिया और ये 2 से ये 2 कट गए। ठीक है, अब हमारे पास में 2 कोष्टक बचे हुए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहला कोष्टक, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, 2 कोष्टक बचे हुए हैं, दोनों कोष्टक को क्या करना है, गुणा करना है, कोष्टक को कोष्टक से गुणा करेंगे, तो गुणा करने में हमारे को ध्यान देना इस कोष्टक को इससे गुणा करना है, इस कोष्टक को खोलेंगे हम 3 1 2 3 और इस कोष्टक को लिखेंगे 3। ठीक है, कैसे, जैसे सबसे पहले x, इस x को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, फिर y, फिर इसको गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से, फिर उसके बाद z, इसको भी गुणा करेंगे हम पूरे कोष्टक से। ठीक है, तो सबसे पहले ये x बाहर निकलेगा और उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड से इसको गुणा करना, फिर उसके बाद प्लस वाई, इस प्लस वाई को फिर वापस क्या करेंगे, इसी से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड से गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में प्लस जेड, प्लस जेड को भी हम क्या करेंगे कोष्टक से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड से गुणा करेंगे, यानी आगे वाले कोष्टक को तो खोलना 3 और पीछे वाले कोष्टक को लिखना है 3।
ठीक है। अब गुणा में ध्यान रखना हमारे को गुणा में घाते जुड़ती है, ठीक है। इस x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, y को भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना और z को भी पूरे कोष्टक से गुणा करना। अब गुणा करेंगे x के यहाँ दो और यहाँ एक है तो दो और एक कितनी हो गई, तीन हो गई, तो x का क्यूब बन जाएगा। प्लस की जगह प्लस, x को y स्क्वायर से गुणा किया एक्स वाई स्क्वायर, x को प्लस z स्क्वायर से गुणा किया प्लस x z स्क्वायर, दोनों अलग अलग पद है तो वो इसे के से आ जाएंगे। उसके बाद माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस x को x y से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर y, वापस x को माइनस y z से गुणा किया तो माइनस x y z आ जाएगा। उसके बाद वापस x को माइनस x z से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर z, यानी एक जैसा पद है तो वहां तो हमको क्या करना है, गुणा में घाते को जोड़ना है और बाकी अगर अलग अलग पद है तो उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस y को कोष्टक से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर को y से गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस x स्क्वायर y, y को वापस y स्क्वायर से गुणा किया प्लस से गुणा हो रही है तो प्लस y क्यूब। उसके बाद वापस प्लस y को z स्क्वायर से गुणा किया y z स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना अपने को, प्लस को y मतलब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो x को मतलब y को y x y से गुणा किया तो माइनस का x y स्क्वायर, वापस प्लस माइनस माइनस y को y z से गुणा किया y स्क्वायर z। उसके बाद वापस प्लस माइनस माइनस और y को x z से गुणा किया तो माइनस का x y z, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस z को कोष्टक से गुणा करेंगे तो z को x स्क्वायर से गुणा किया x स्क्वायर z, वापस z को y स्क्वायर से गुणा किया y स्क्वायर z, प्लस लगाना क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस ही, वापस प्लस z को z स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस का z क्यूब। इसके बाद प्लस को प्लस z को माइनस एक्स वाई से गुणा किया तो माइनस का एक्स वाई z, वापस प्लस z को y z से गुणा किया तो माइनस y z स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस z को माइनस एक्स z से गुणा किया तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, पहले कोष्टक को खोला दूसरे कोष्टक को ऐसे के ऐसे लिखा, फिर उसको क्या किया गुणा कर दिया, जहां जहां एक जैसे पत्ते वहां हमको क्या करना है गुणा में घात जुड़ती है इसलिए हमने घातों को जोड़ते हुए हल किया। अब उसके बाद देखो प्लस और माइनस की एक जैसी संख्या तीन को कर दिया, जैसे एक्स वाई स्क्वायर, अब इसमें प्लस का है अब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर को देखना अपने को, तो एक्स वाई स्क्वायर देखो इसमें कहां आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का ही आ रहा है, ये दोनों ही कट गए। इसी तरह से एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है माइनस का एक्स जेड स्क्वायर देखना हमको, तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर देखो ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर वही आ रहा है, इसमें अपने को माइनस आ गया तो प्लस को देखना है तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे क्या है कि प्लस और माइनस की एक जैसी संख्या वो कट जाएगी। कटने के बाद हमारे पास क्या बची, एक्स क्यूब बचा हुआ है प्लस वाई क्यूब बचा हुआ है प्लस जेड क्यूब बचा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। उसके बाद देखो माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड और ये माइनस का एक्स वाई जेड, तीन बचे हुए थे तीनों माइनस के इसलिए जुड़ के क्या हो गया माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब इस हिसाब से हम देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, आपको क्या चाहिए एलएचएस के अंदर ये चाहिए था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और ये चाहिए तो ये इसके यानी आरएचएस को हमने हल किया तो क्या आया एलएचएस आ गया हमारे पास, तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। यानी सत्यापित करना है इसका मतलब दोनों पक्ष एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। अब आज एक्स डब्ल्यू के रूप में क्या करना है, जो हालांकि पहले दिया हुआ प्रश्न है लेकिन इसी को वापस, क्योंकि जब तक सर्वसम्मिका ध्यान में नहीं है इस पूरी प्रश्नावली में कोई सा भी प्रश्न हो चाहे सरल है तो भी हमारे लिए कठिन बनेगा, इसलिए आज वापस एक बार फिर आपको क्या करना है दसों सर्वसम्मिकाओं को लिखनी है और उनको याद करना, ठीक है ना। सर्वसम्मिका बार बार लिखनी है अपने को और उसको याद भी करनी, कम से कम दो दो तीन तीन बार तो सर्वसम्मिका लिखनी है लेकिन वो याद भी होनी जरूरी, ठीक है। धन्यवाद।